नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। विराट और सौरभ गांगुली के बीच लगातार पिछले 2-3 हफ्ते से विवाद चल रहा है। बीसीसीआई की तरफ से कुछ अलग तरीके का बयान दिया जाता है, तो टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, वो उन बयानों को खारिज करते हुए कह देते हैं कि जो कुछ भी मेरे बारे में कहा जा रहा है वो गलत कहा जा रहा है। मतलब बीसीसीआई और बीसीसीआई मतलब टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के ही बयान में मतभेद है, इसीलिए लगातार यही कहा जा रहा है कि भले ही बीसीसीआई की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के कप्तान का बयान अलग नहीं हो सकता है जब बात किसी एक सीरीज को लेकर आए और कप्तान बदलने को लेकर आए। दरअसल सौरभ गांगुली और बीसीसीआई ने कहा कि विराट कोहली से उन्होंने बात की थी और कहा था कि T20 की कप्तानी ना छोड़िए, लेकिन विराट कोहली ने इन बातों को खारिज कर दिया था और कहा था कि मुझसे किसी ने बात नहीं की, मैंने T20 की कप्तानी अपने मन से छोड़ी थी और ना ही मुझसे कोई मिलने आया था। इसके बाद विराट कोहली ने यह भी कहा कि जिस तरीके से बातें बीसीसीआई कह रहा है कि मैं साउथ अफ्रीका दौरे पर नहीं जा रहा हूं वनडे सीरीज में रोहित शर्मा की कप्तानी में, वो भी गलत है, क्योंकि मेरी बेटी का जन्म दिन 11 जनवरी को पड़ रहा है जबकि 19 जनवरी को वनडे सीरीज शुरू हो रही है, मैं वनडे सीरीज खेलने के लिए उपलब्ध रहूंगा। मतलब ये दोनों बयान दोनों तरीके से अलग अलग थे, इसीलिए विवाद सामने आया। फिलहाल सौरभ गांगुली ने अब विराट कोहली पर सीधे नाम लेकर हमला बोल दिया है और सीधे तौर पर उन्हें कह दिया है कि ये खिलाड़ी लड़ता बहुत है, इसमें एटीट्यूड बहुत है और जिस तरीके से हाव भाव है वो शायद सौरभ गांगुली को उनका पसंद नहीं आता है। सौरभ गांगुली से सवाल किया गया कि सबसे एग्रेशन वाला खिलाड़ी आप क्रिकेट में किसे मानते हैं, तो सौरभ गांगुली ने बिना हिचके जवाब दिया और कहा कि निश्चित तौर पर विराट कोहली। और सौरभ गांगुली ने हालांकि ये कहा कि विराट कोहली का एटीट्यूड मुझे पसंद है, अच्छा लगता है, लेकिन वो इसी एटीट्यूड में लड़ता बहुत है। तो इन विवाद के बीच सौरभ गांगुली ने जिस तरीके से बातें कही हैं वो इशारा कर रही हैं कि वो विराट कोहली के एटीट्यूड और जो उनका लड़ने का रवैया है उससे शायद ज़्यादा खुश नहीं है। फिलहाल एटीट्यूड के बारे में वो उनको पसंद करते हैं, लेकिन विराट की लड़ाई को वो दरकिनार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से लड़ाई करते हैं वो सही नहीं है। फिलहाल सौरभ गांगुली ने विराट कोहली का नाम लेकर जिस तरीके से अब उन पर सीधे तौर पर निशाना साध दिया है, उस पर विराट कोहली का रिएक्शन देखना होगा क्या कुछ होता है। आप अपनी राय में कमेंट करके इस पूरी खबर पर बता सकते हैं।